गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है एटम का, और ये मेरा इसका पांचवा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद बच्चों टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आप आराम से पेशेंस के साथ समझिएगा, और बच्चों यहीं से हमारा फाउंडेशन बनता है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में। ठीक है, इसको आप ढंग से समझ लीजिएगा और फिर इसको अगले वीडियो में जो कि स्पेक्ट्रम के ऊपर होगा उसको उस पे आप इसको अप्लाई करिएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को एक चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला, और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं जाती हूं मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम में, ठीक है, जहां पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जो है इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है और उसका रेडियस अगर हम r माने तो वो r जो आया था बच्चों वो आया था n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर। ये बच्चों हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रूफ किया था, और बच्चों इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी थी वो आई थी बच्चों 2 पाई, ठीक है, 2 पाई के z e स्क्वायर अपॉन एन एच, ठीक है, इस तरीके से आया था। अब बच्चों देखिए ये इलेक्ट्रॉन हमारा जो है रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी एक काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि इसके पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है। ये स्टेबलिश है तो बच्चों इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला करके जो है हमारी इसकी एक टोटल एनर्जी भी होगी, हम उसको यहां पर कैलकुलेट करेंगे और वहां से निकलेगा बच्चों एक बहुत ही प्यारा कंक्लूजन। बहुत ही पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा, और इस वीडियो को देखने से पहले अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने R और V का जो है डेरिवेशन करवाया है उसको देख लीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद ही अगला वीडियो देखिएगा जो कि जो है स्पेक्ट्रम के कंसेप्ट के ऊपर है। ठीक है, यहां पर आकर के बच्चे अपना पेशेंस खो देते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, दो चार बार रिवाइज करिएगा तो कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास बच्चों होगी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी क्योंकि स्टेबलिश है, और बच्चों टोटल एनर्जी होगी जो कि होगी काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से बच्चों हमारे लिए निकलेगी टोटल एनर्जी, ये देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब चलिए काइनेटिक एनर्जी से स्टार्टिंग करते हैं, फिर देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, फिर देखेंगे कि हमारी टोटल एनर्जी कितनी आती है। तो बच्चों क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ एक और एक फार्मूला है, वो है बच्चों 1/2 mv स्क्वायर। अगर हमको ये मिल जाए तो हमारी काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये निगेटिव चार्ज है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज है। बच्चों इसके बीच में हमारा जो है क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो बच्चों यही एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हमने एफ लिखा, ये हो गया के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होगा। इस तरीके से बच्चों देखिए ये कितना आएगा, ये आएगा K
Q1 की वैल्यू होगी बच्चों ZE, ये वाला वो हो गया E ऐसे, और बच्चों अपॉन R स्क्वायर। बच्चों यही हमको क्या देगा, यही हमको देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। वो कितना होता है 1/mv² / r, ठीक है। मतलब ये और ये बराबर होगा, तो हम बच्चों इसको यहां लिख देंगे mv² / r इज इक्वल टू दिस। तो बच्चों यह रहा है के जेड ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। बच्चों देखिए ये आर कट गया, तो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है mv² = kZe² / r, ठीक है। बच्चों हम क्या करते हैं, इधर और इधर दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों आ गया 1/2 mv² = kZe² / 2r। और बच्चों 1/2 mv² हमारा है काइनेटिक एनर्जी, तो बच्चों क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी हमारी हो गई इलेक्ट्रॉन की, वो हो गई kZe² / 2r। इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। ये हमारा आ गया काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं बहुत ही आराम से यहां लिख देता हूं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी जो हो गई हमारी वो हो गई बच्चों kZe² / 2r, ठीक है। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी निकल आई। पूरा मेथड देख लीजिए, अपने हाथ से कॉपी पे जरूर करिएगा, क्योंकि जब कोई दूसरा करता है तो इजी लगता है, जब खुद करो तो एक दो स्टेप में हम कहीं ना कहीं फंसते जरूर हैं। इसलिए अगर आप पूरी तरीके से बिना किसी गलती के सीखना चाहते हो तो इस पूरे डेरिवेशन को अपने हाथ से जरूर करिएगा, ये मेरा सिंपल सी आपको सलाह है। अब बच्चों आते हैं, निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और जब पोटेंशियल एनर्जी हमारी निकल आएगी तो हम निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बच्चों देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अपनी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी कंटेन किया जाता है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब बच्चों यहां पर जो है पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो सिर्फ होगी बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और जो बच्चों उसका फॉर्मूला होता है वो होता है के Q1 Q2 / r, ठीक है। यहां पर बच्चों Q1 Q2 को हम विद साइन रखते हैं, मतलब यदि हमारा Q1 Q2 नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये हमारा एक सिस्टम होता है। तो बच्चों यहां पर हमने जो है पोटेंशियल एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आएगी के, Q1 हो गया बच्चों ZE, Q2 हो गया बच्चों इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है, इस तरीके से डिवाइडेड बाई r। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो आई सिस्टम की y - kZe² / r, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो बच्चों हम यहां पे इसको नोट कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम वाया -kZe² / r, ठीक है। अब बच्चों चलिए निकालते हैं टोटल एनर्जी ऑफ एटम, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या होगा, यहां पर टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी वो होगी बच्चों काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे होगी। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो आई है वो आई है kZe² / 2r, ये देखिए प्लस, इसको नोट करेंगे, ये क्या है -kZe² / r, ब्रैकेट लगाया हमने, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आया -kZe² / 2r, और बच्चों ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी। इसको जरा आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा, देखिए k है हमारा, k जो है वो है 1/4πε0, ये आपको पता है। जेड है हमारा एटॉमिक नंबर, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका स्क्वायर हो रहा है, टू न्यूमरल है, और आर हमारा है डिस्टेंस, यानी कुछ ना कुछ इसकी डिस्टेंस होगी। इसमें से कोई भी चीज निगेटिव नहीं है, कोई भी चीज इसमें से निगेटिव नहीं है, और निगेटिव इसके साथ आगे लगा हुआ है,
तो बच्चों यहाँ पर एक बात क्लियर होती है कि टोटल एनर्जी जो है वो है हमारी निगेटिव। अब बच्चों ये हमको बहुत बड़ा जो है क्लू देता है, निगेटिव एनर्जी जब कभी भी टोटल एनर्जी होती है या पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है तो बच्चों सिस्टम स्टेबलिश होता है, उसके अंदर एक स्थायित्व होता है और इसीलिए बच्चों घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन के अंदर एक स्टेबिलिटी है, ये हमारा कहीं नहीं जाता क्योंकि इसकी टोटल एनर्जी निगेटिव है। अगर इसको हमें हिलाना है डुलाना है तो इतनी ही हमको पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, जब एनर्जी जीरो हो जाएगी तब वो वहां से हिलेगा। ठीक है, तो बच्चों निगेटिव टोटल एनर्जी होने की वजह से एटम हमारा स्टेबलिश है, एक तो हमको क्लू यहां से मिलता है। बच्चों सेम काम हम लोगों ने ग्रेविटेशन में किया था, जब हमने पढ़ा था इलेवेंथ में, उसमें आई था टर्म बाइंडिंग एनर्जी। उसमें क्या था कि हमारा प्लेनेट सन के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहा है या मून अर्थ अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसमें आई थी बाइंडिंग एनर्जी और वो भी निगेटिव आई थी और निगेटिव होने के कारण ही जो है अर्थ सन या पूरा सोलर सिस्टम हमारा स्टेबलिश है, वही चीज यहां पर होती है। ये बच्चों यहां पे इस तरीके से हमको एक चीज मिलती है, इस पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज में कई तरीके से आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों जरा इसको देखिए ध्यान से, इसको देखिए और इसको देखिए, यहां से बच्चों एक चीज हमको मिलेगी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। दोनों को आप ध्यान से देखिए, आपको एक रिलेशनशिप तो ये मिलेगा, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। दूसरी चीज यहां बच्चों आई है जो काइनेटिक एनर्जी आई है, काइनेटिक एनर्जी वो बच्चों आई है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ये बच्चों हमको यहां पर इस तरीके से दो रिलेशनशिप हमको यहां पर ऐसे मिलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी। इसको नोट कर लीजिए, इसके ऊपर भी कई बार एमसीक्यूज में जो है क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत कर दोगे, नहीं तो सोचोगे कि हाँ कहीं पढ़ा था। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमने तो ये निकाला जनरल फॉर्म में कि हमारा आर इतना है, जेड इतना है, के इतना है, सब कुछ एक हमने जनरल फॉर्म में इजिएस्ट में निकाल लिया। अब बच्चों जो एक्चुअल में जो रेडियस है वो बच्चों देखिए इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है कि ऑर्बिट हमारा कौन सा है, प्लैंक कांस्टेंट कितना है, पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के, ठीक है, जेड हमारा एटॉमिक नंबर और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब बच्चों यही एनर्जी जो टोटल एनर्जी आई है हम जो है इसको जो है इन पैरामीटर्स के फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है, इन पैरामीटर्स के फॉर्म में निकालेंगे। ठीक, तो बच्चों देखिए अब हम यहां सब ये सब बिगाड़ रहे हैं। अब टोटल एनर्जी के इस फार्मूले में बच्चों आर एक ऐसा फैक्टर है जो कि ये है, इस आर की इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या आता है, कुछ जो है आएगा हमारा डिफरेंट टाइप की चीज, जिसको देख करके जो कि पहली बार देख रहा होगा वो एक बार स्टूडेंट हल्का सा घबरा जाएगा, लेकिन मेरी आपको एक सजेशन है कि हल्का सा पेशेंस आप रखिएगा क्योंकि चैप्टर बहुत इजी है लेकिन ध्यान से पेशेंस के साथ हमको देखना पड़ता है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, टोटल एनर्जी का जो फार्मूला हमने अभी डिराइव किया वो कुछ इस तरीके से आया है, माइनस के जेडी स्क्वायर अपॉन टू आर। अब बच्चों हम क्या करते हैं, टोटल एनर्जी को एक टर्म देते हैं ई और एन यहां लिख देते हैं क्योंकि ये हो गया एनथ ऑर्बिट के लिए, इसको हमने ऐसे लिख दिया और बच्चों यहां पर कुछ नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा हम सहूलियत से ऐसे लिख लेंगे जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू और यहां पर किया हमने वन बाई आर। ठीक है, आर को हमने साइड में लिख दिया, आर की ये वाली वैल्यू हम बच्चों यहां रखते हैं तो देखिए क्या आता है, यहां पे ये देखिए आ गया माइनस के जेडी स्क्वायर बाई टू, ये आ गया इस तरीके से वन अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। देखिए इस तरीके से पूरा का पूरा हमने यहां रख दिया, बच्चों ये वाला फैक्टर ऊपर चला जाएगा तो देखिए क्या आएगा, हमारा आएगा माइनस के जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू और ये आएगा फोर पाई स्क्वायर
एम के जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये देखिए बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए ये टू से ये फोर यहां कट रहा है तो यहां जा रहा है टू और तो बाकी सब वैसे रहेगा। तो बच्चों देखिए हमने यहां सॉल्व किया तो आया निगेटिव। निगेटिव के बाद बच्चों हम सबसे पहले यहां लिखते हैं टू पाई स्क्वायर इस तरीके से। के एक ये है, के एक ये है, एम है सिंगल तो हमने यहां एम लिखा। के का के से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा। जेड का जेड से मल्टीप्लीकेशन होगा जेड स्क्वायर होगा। ई स्क्वायर का ई स्क्वायर से होगा तो ये ई की पावर फोर हो जाएगा डिवाइडेड बाई आ जाएगा और ये आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। देखिए इस तरीके से ये आ जाएगा और यहां पे हम लिखेंगे ई एन। ठीक है तो बच्चों हम जरा इस फॉर्मूले को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके कायदे से लिखते हैं तो आ गया एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट या है निगेटिव ऑफ 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसको आप जरा नोट कर लीजिए। अब बिल्कुल जो है ठंडा पानी पीजिए और दिमाग को शांत करिए। थक गए हो तो वीडियो को रोक दीजिए फिर मेरी बात सुन लें। ठीक है बच्चों एटम के इस चैप्टर में बस इतने ही फार्मूले हैं जो आपको देखने में कुछ अजीब से लगेंगे, है भी इस चीज को भी मैं मानता हूं, लेकिन बच्चों दो चार बार आप जब देखेंगे तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे और आपको चीजें लगने लगेंगी इजी। घबरा जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, घबराना नहीं है। ठीक अब देखिए क्या हुआ यहां पर, अभी तक जो कैलकुलेशन पिछले वीडियो में और इस वीडियो में हमने किया है उसमें देखिए तीन चीजें निकल के आई हैं, तीन चीजें निकल के आई हैं जो अजीबोगरीब हैं। वो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट और बच्चों टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ठीक है इसका ऊपर नीचे का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिजाइन थोड़ा अलग अलग है, इसको आप देख लीजिए। इसका शॉर्ट फॉर्म आता है, हर जगह आता है, लेकिन इसको भी देखना आपको जरूरी है, देख लीजिए। ठीक अब बच्चों ये हमारा इस तरीके से ये हो गया। अब बच्चों ये यही रहेगा, इसमें कुछ नहीं। अब बच्चों आते हैं मेन टॉपिक पे जो कि हमारा हेडिंग था, हेडिंग था। और आपको मैं आपको एक बात और समझाता हूं, यहां पे बच्चों कंफ्यूज रहते हैं, बस यही तीन फार्मूले हैं, इसका डेरिवेशन ऐसे होता है और कुछ नहीं है, तीन फार्मूले हैं बच्चों। इसको मैं ऊपर यहां लिख देता हूं फिर आपसे आगे की बात करता हूं। तो देखिए क्या हुआ, एनर्जी ऑफ एर्थ ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस टू पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर फोर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। देखिए ये है, यह है निगेटिव को लेके साथ में चलेंगे क्योंकि एनर्जी हमारी टोटल ओवरऑल निगेटिव है। ये फॉर्मूला मैंने स्कोर कर लिया ऊपर। अब चलिए आते हैं उस पॉइंट पे, यहां तक तो आप लोग कर ही लोगे, जहां पे आप सब लोग को होता है कंफ्यूजन और आप क्लास में पूछ नहीं पाते हो और कंफ्यूजन माइंड में लिए बैठे रहते हो। ठीक है बच्चों यहां पर एक बात कही जाती है कि अगर हम n इक्वल टू वन पे निकालेंगे एनर्जी लेवल तो अलग आएगा, टू पे निकालेंगे तो अलग आएगा, थ्री पे निकालेंगे, फोर पे निकालेंगे, इस तरीके से अलग अलग आएगा, ये बात कही जाती है। और ये बात कही जा रही है हाइड्रोजन एटम के लिए। अब मैंने जो चीज फील करी है स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो ये दो तीन और चार एन की वैल्यू कहां से आ रही है। मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड में यही पहला क्वेश्चन होता है जिसको वो पूछ नहीं पाते या सोचते रह जाते हैं। मैं बता रहा हूं आपको कि ये दो तीन और चार कहां से आया है। ठीक है ऑर्बिट एक ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन भी एक ही रहेगा, लेकिन उसका रेडियस बढ़ता जाता है। बात को समझिएगा, देखिए बात को समझिएगा। देखिए ये हमारा हो गया हाइड्रोजन का न्यूक्लियस पॉजिटिव और बच्चों इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐसे ऐसे घूम रहा था, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी है, ये बच्चों एन इक्वल टू वन है। अब क्या होता है कि कैसे भी या कहीं से भी इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है,
ठीक है, सपोज करिए हमने हीट कर दिया तो इसको एनर्जी मिल गई। जब एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है, जब इसकी एनर्जी बढ़ती है तो बच्चों ये इस ऑर्बिट को छोड़ देता है और बच्चों थोड़े से बड़े ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करने लगता है, ठीक है, और ये हमारा n इक्वल टू 2 हो जाता है। इस केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा इस ऑर्बिट में घूम रहा था वो बच्चों इसको छोड़ के अब यहां पे आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन एक ही है, वही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसका ऑर्बिट हो गया दूसरा और रेडियस गया बढ़, ठीक है। देखिए यहां पर आर लिखा है बच्चों, देखिए आर है यहां पे, एन इक्वल टू 2 रख देंगे तो देखिए रेडियस बड़ा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। सेम काम यहां पे होता है, देखिए एन इक्वल टू 2 रखेंगे तो वेलोसिटी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब इसको हमने और एनर्जी दे दी, कैसे भी दे दी, कहीं से भी मिल गई, तो क्या होता है कि ये इसको यहीं छोड़ देगा और फिर बच्चों ये यहां पे चला जाएगा यही इलेक्ट्रॉन सेम, और ये बच्चों हो जाएगा एन इक्वल टू 3 और ये ऑर्बिट का एक्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा तुरंत, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से खत्म हो जाएगा। अभी भी एटम जो हाइड्रोजन का है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और बच्चों वो एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन उस ऑर्बिट की पोजीशन बदल गई, ये हो गई, ये चलता रहता है जैसी उसकी एनर्जी होती है, और बच्चों इसी को हम कहते हैं एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट, और वही बच्चों यहां पे लिखा हुआ है। यहां बच्चों एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो फर्स्ट एनर्जी लेवल आएगी, एन इक्वल टू 2 रखेंगे तो सेकेंड एनर्जी लेवल आएगी, एन इक्वल टू 3 रखेंगे तो थर्ड एनर्जी लेवल आएगी, 4 रखेंगे तो 4 आएगी और इन्फाइनाइट रखेंगे तो लास्ट वाली आ जाएगी। ये बच्चों यहाँ पे होता है, ये कंफ्यूजन मैंने बहुत रीड किया बच्चों के फेस पे, ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है बच्चों। और यही बात जो है गोहर साहब ने बताई थी, देखिए अब तीनों में ऑर्बिट यहां बना देता हूं, ये हमारा सेकंड वाला हुआ, ये हमारा जो है फर्स्ट वाला हुआ, ये हुआ एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2। तो बच्चों यही बात बोहर साहब ने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन हमारा एक सर्टन रेडियस के ऑर्बिट में ही घूमेगा, या तो यहां घूमेगा, यहां नहीं घूमेगा तो यहां घूमेगा, यहां नहीं घूमेगा तो यहां घूमेगा, यहां नहीं कहीं और जाएगा, इसके बीच में कहीं नहीं रहेगा। और बच्चों इसी चीज को कहा गया था कि बोहर क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, ठीक है, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन इसी को कहा गया था, कि उन्होंने कहा था कि हमारा जो है रेडियस फिक्स है, ऑर्बिट फिक्स है, अब एनर्जी लेवल के बारे में कहें तो एनर्जी लेवल फिक्स है, यही बात यहां पर बताई गई थी, बस इतनी सी बात है। ये जिसके समझ में आ गई उसके लिए ये चैप्टर फिर हलवा हो जाता है, और जिसको नहीं समझ में आती वो थोड़ा सा परेशान रहता है, ठीक। तो चलिए मैंने अपनी बात एक्सप्लेन कर दी, अब मैं आगे की बात करता हूं, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहां पर अब हम यहां पर निकालेंगे कि हमारी जो है एनर्जी कितनी होती है, हमारी एनर्जी कितनी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे इन हाइड्रोजन एटम। यहां पर देख लीजिए, अब हम जो आपके सामने निकालने जा रहे हैं वो हम निकालने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन डिफरेंट ऑर्बिट, इन डिफरेंट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन लाइक एटम की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं। हाइड्रोजन एटम की कंडीशन क्या है, जेड इजिकल टू 1, बस इतनी कंडीशन है, बाकी चीज इसमें नहीं बदलेगी। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम यहां पे लिखते हैं ई एन इजिकल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर है, पाई की वैल्यू हुई 3.14, इसको ऐसे रखा, स्क्वायर कर दिया, इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10^-31 केजी, इनटू के की वैल्यू 9 × 10^9 स्क्वायर, ऐसे आ गया, ठीक है। जेड की वैल्यू बच्चों हो गई हमारी 1 स्क्वायर, और ई की वैल्यू हो गई 1.6 × 10^-19, और इसका पावर आया 4। सब देख लीजिए आराम से, आपसे 2 π² एम ये, के ये, जेड हमारा 1 है, ये e की पावर 4, ये डिवाइडेड बाई,
एन स्क्वायर, और बच्चों यहां पर हम रखेंगे एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 का स्क्वायर। ठीक, या इस तरीके से बच्चों जब हम इसको गुणा भाग करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको जब सॉल्व करते हैं बच्चों तो सिंपल सी एक बात आती है, en इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बच्चों हमारा जो है इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है, और ये बच्चों स्पेशली आता है nth ऑर्बिट के लिए। ठीक है, यह आया सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए आया है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए नहीं आया है। हाइड्रोजन लाइक एटम जब होगा तो यहां जेड की वैल्यू बदल जाएगी, और यहीं पे मिस्टेक होती है एग्जामिनेशन में, जो बच्चे झटके में न्यूमेरिकल को करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों ये हमारा आ गया हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसका जो है स्पेशल केसेस लेने जा रहा हूं, उसको पूरा नोट कर लीजिए, आपकी बुक्स में भी जो भी बुक है आपके पास उसमें भी ये पूरा डेरिवेशन है, और मैंने अपनी एक कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की। अब चलिए बच्चों इसके जो है हम स्पेशल केसेस की एनालिसिस करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत काम की है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले जो मैं लिख रहा हूं उसको देखिएगा कि टोटल एनर्जी, या देखिए टोटल एनर्जी ऑफ एन, ठीक है, ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए है जहां पर जेड इज इक्वल टू हमारा वन है। ठीक है, ये बच्चों आया, तो वो देखिए क्या आया, ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर क्या होगा, जब हम इसको एन इज इक्वल टू वन रखेंगे, हमने क्या किया एन इज इक्वल टू वन रखा, तो ये हमारा ई वन आएगा, ये आ जाएगा माइनस 13.6 अपॉन वन स्क्वायर, और बच्चों आएगा ये माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया E2 यानी n इक्वल टू 2 हो गया, तो बच्चों ये आ जाएगा 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर, n की जगह 2 रख दिया, तो बच्चों ये जो कैलकुलेट करके आएगा ये आएगा हमारा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों जब हम n इक्वल टू 3 रखेंगे तो आ जाएगा माइनस 13.6 अपॉन 9, ठीक है, और बच्चों यहां पर आ जाएगा 3 स्क्वायर, 9 के 3 स्क्वायर ऐसे कर लीजिए 9 हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू आएगी बच्चों माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों यही जब हम रखेंगे e इक्वल टू 4 तो बच्चों हो जाएगा माइनस 13.6 अपॉन 4 स्क्वायर, और बच्चों ये आ जाएगा माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बच्चों जब हम रखेंगे n इक्वल टू 5 तो आएगा माइनस 13.6 अपॉन 5 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो बच्चों आएगी वो आएगी माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बच्चों जब हम e इक्वल टू 6 रखेंगे तो आएगा माइनस 13.6, ठीक है, 13.6 अपॉन 6 स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा हमारा माइनस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे आप n की वैल्यूज को जो है बढ़ाते जाइए, आपका जो है कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको मिलेगी। इसमें बच्चों सिंपल सी बात है, ये हमारे हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस हुआ, तो बच्चों n इक्वल टू 1 पे जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था तो इसकी एनर्जी इतनी थी, इसको एनर्जी और मिली तो जंप करके इधर चला गया, फिर बच्चों और मिली तो इधर चला गया, फिर और मिली तो इधर चला गया, पुराने वाले ऑर्बिट अपना खत्म होते गए, और फिर बच्चों इसकी एनर्जी बढ़ती चली गई। देखिए माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, इसको एनर्जी मिली तो देखिए बढ़ गई निगेटिव में, तो बच्चों ये हो गई, इस तरीके से एनर्जी बढ़ती जा रही है। जब इसको इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है तो ये स्कैप कर जाता है
और बच्चों उस समय हमारा n इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है एनर्जी लेवल का कंसेप्ट है, इसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, और बच्चों इसको हम जो है एनर्जी लेवल भी सीखते हैं, क्योंकि ऑर्बिट हमारा एनर्जी से डिसाइड हो रहा है, इसीलिए ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां पर ये कहानी आके जो है हाइड्रोजन एटम के लिए जो है हमारी कंप्लीट होती है। अब बच्चों यहां पर जो अगला वीडियो होगा और जो और ज्यादा कंफ्यूज करता है आप लोगों को, वो है बच्चों स्पेक्ट्रम का। ठीक है, तो चलिए उसका मैं यहां पे फाउंडेशन क्रिएट कर देता हूं, बाकी बात तो हम अगले वीडियो में ही करेंगे और वो वीडियो लंबा भी होगा इस वाले वीडियो से। तो बच्चों देखिए, हमारा जो है nth ऑर्बिट के लिए, देखिएगा nth ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला आया है वो देखिए कुछ इस तरीके से आया है, En इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी या एनर्जी लेवल है उस इलेक्ट्रॉन की जो हमारा nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों हम यहां पर एक काम करते हैं, दो एनर्जी लेवल लेते हैं। एक बच्चों हम लेते हैं जहां पर n हमारा n1 है और दूसरा लेते हैं n हमारा n2 है। ठीक है, सपोज करिए ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ये हमारा हो गया n1 और ये हो गया हमारा n2। अब देखिए यहां पे हो क्या रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन हमारा यहां से यहां जा रहा है जंप करके, या बच्चों यहां से यहां आ रहा, दोनों ही केस होते हैं बच्चों, इसको समझना पड़ेगा। तो बच्चों हम एक बार समझिएगा, एक बार n इज इक्वल टू n1 रखते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, En1 इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन n1 स्क्वायर एच स्क्वायर, और बच्चों दोबारा होता है En2 इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन n2 स्क्वायर एच स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से आया, इलेक्ट्रॉन हमारा यहां से यहां पहुंच गया, यहां एनर्जी कम थी यहां एनर्जी ज्यादा है, ये बच्चों हमारा n2 है और ये हमारा n1 है, यहां एनर्जी ज्यादा है यहां कम है, तो यहां लिखते हैं मोर एनर्जी और यहां लेते हैं लेस एनर्जी। अब बच्चों हमें निकालना है डेल्टा ई, मतलब क्या हुआ, एनर्जी हमारी कितनी इसको दी गई, एनर्जी हमको हमने इसको कितनी दी कि यहां चला गया, वो डेल्टा ई निकलेगा बच्चों, वो हमारा निकलेगा En2 माइनस En1, ऐसे ही निकलेगा। देखिए अब हम इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, चलिए माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन N2 स्क्वायर एच स्क्वायर N2 स्क्वायर एच स्क्वायर N2 स्क्वायर और बच्चों एच स्क्वायर आ गया ऐसे माइनस। ठीक है, अब यहां लिखेंगे तो यहां लिखेंगे माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन N1 स्क्वायर एच स्क्वायर। बहुत सहूलियत से लिखेगा, ऐसे ही कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है, जो चीज टर्म यहां लिखी थी उसको मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया, ऊपर वाला भी है नीचे वाला भी है। अब बच्चों देखिए इसमें से जो कॉमन है उस कॉमन को हम ले लेते हैं, तो देखिए क्या हुआ, कॉमन ले रहे हैं 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर। ये देखिए आ गया इसे, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस का हमने कॉमन नहीं लिया, माइनस N2 स्क्वायर माइनस ये आया, अब बच्चों माइनस ये वाला है, ये बच्चों हो जाएगा माइनस N1 स्क्वायर, ये देखिए ऐसे आया। ठीक है, ये माइनस मिलके हो गया प्लस, तो बच्चों इसी चीज को हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई
एच स्क्वायर और यह जगह 1 अपॉन एन वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। और बच्चों इतना ही एनर्जी हम इसको देंगे, जरा इसको नोट कर लीजिए। ये बच्चों दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस है। अब बच्चों चलिए अब हम इस डिफरेंस को समझते हैं प्रैक्टिकली, हम इस डिफरेंस को प्रैक्टिकली समझते हैं कि वहां हो क्या रहा है और इसका जो हमको रिजल्ट कैसे मिलता है। बात को समझिएगा, इलेक्ट्रॉन हमारा यहां घूम रहा है, ये अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इस इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी, इस इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी, यानी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी। क्या करी? एनर्जी एब्जॉर्ब करी। एनर्जी एब्जॉर्ब करी मतलब उसकी एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी जब बढ़ी तो वो यहां से यहां तक चला गया, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब करी, यहां से यहां पे चला गया, यहां रिवॉल्व करने लगा। और ये एनर्जी बच्चों कितनी थी? वो इतनी थी। अब बच्चों यहीं से हमको एक नया टर्म मिलता है, जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी वो हमको देता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक यही बनता है। ये बात मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अब देखिए क्या होता है, सपोज करिए इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व कर रहा था और किसी भी कारण से वो नीचे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी यहां ज्यादा थी और फिर नीचे आ गया तो एनर्जी उसकी कम हो गई। तो बच्चों ये ज्यादा वाली एनर्जी कहां गई? तो ये ज्यादा वाली एनर्जी ये इमिट करता है, ये निकालता है अपनी ओर, हमको देता है। तो क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो हुई इसके पास वो क्या करता है, ये इमिट करता है। और ये हमको किस फॉर्म में मिलती है? रेडिएशन के फॉर्म में मिलती है। तो बच्चों यहां से जो बनता है वो हमारा बनता है इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है बच्चों। ये होता है स्पेक्ट्रम, जो मैं आपको सिर्फ अभी हल्का सा मैंने बताया है, अभी इसमें आगे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मतलब क्या होता है कि दो एनर्जी लेवल के बीच की जो एनर्जी होती है वो हमको या तो मिलेगी या ये लेगा, ठीक है, और उसी से हमारा स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। यही हमारा इसका फाउंडेशन है। अभी मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब बच्चों इसमें आगे क्या होता है, एनर्जी लेवल के बेस पे हमारा स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, इसका क्या नाम है, डिस्क्रीट ये क्यों कहलाता है और इसके और क्या क्या रिजल्ट्स हैं, ये बच्चों हम देखेंगे अगले वीडियो में, जो कि बच्चों हमारा होगा स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के कंसेप्ट पे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको एनर्जी लेवल के कंसेप्ट को समझाने के लिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। अब बच्चों इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, जो कि मेरा होगा अगला वीडियो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।